हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग हाउ आर यू आई होप ऑल वेल टुडे इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट साइंस क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर सेकंड और स्केल्टन इन मस्कुलर सिस्टम इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट ज्वाइंट्स इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट मस्कुलर सिस्टम एंड हाउ मसल्स वर्क ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मस्कुलर सिस्टम द मसल्स इन आवर बॉडी रिलैक्स एंड कंट्रैक्स टू प्रोवाइड मोमेंट जो हम लोग की बॉडी में मसल्स होती हैं वो रिलैक्स और कंट्रैक्ट होकर के हम लोग को मोमेंट प्रोवाइड करती हैं मसल ड्यू मसल्स डू सू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इन दि मसल्स ऐसा इसलिए करती हैं चूंकि इसमें एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं मसल्स लाई अंडर द स्किन जो मसल्स होती हैं वो पाई जाती हैं हम लोग के स्किन के अंदर मसल्स और मेड अप ऑफ बैंडल ऑफ फाइबर्स जो मसल्स होती हैं वो मेड अप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर ऑफ फाइबर से मिलकर के बनी होती हैं मसल्स और अटैच टू मसल्स होती है एक स्ट्रांग फाइबर से उस फाइबर को टेंडेंस खोला जाता है मसल्स मेक और हार्ट बीट पुस्ट फूड एंड टू द फूड पाइप हेल्प इन चीविंग एंड ठीक है मसल्स मेक और हार्ट बीट जो मसल्स होती है हम लोग के हार्ट बीट को बनाती है और फूड पाइप में और फूड को चेंज करने में हेल्प करता है और हेल्प करता है बेंड करने में हम लोग की बॉडी पार्ट हो गए जैसे नी और आर्म्स ठीक है इन ह्यूमन बॉडी हैज ओवर सिक्स हंड्रेड फोर्टी मसल्स इन द इन द बॉडी एंड ईच वन कॉजेज अ पर्टिकुलर मोमेंट द ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होते हैं बेटा उनमें हैज ओवर सिक्स हंड्रेड फोर्टी मसल्स उनमें सिक्स हंड्रेड फोर्टी मसल्स प्रेजेंट्स होती हैं और इच वन कॉज इज अ पर्टिकुलर मोमेंट और प्रत्येक एक पर्टिकुलर मोमेंट को कहती हूँ मसल्स आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू डू वर्क जो मसल्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं स्ट्रेंथ किसी भी वर्क को करने के लिए काइंड ऑफ मसल्स देर आर थ्री काइंड ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी जो हम लोग की बॉडी है उसमें थ्री टाइप की मसल्स प्रेजेंस होती है। आर आर हैं दिज और दिज और वॉलेंट्री नॉन वॉलेंट्री मसल्स इन वॉलेंट्री मसल्स इन कार्डियक मसल्स वॉलेंट्री मसल्स इन वॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं बेटा वॉल्ट्री मसल्स वॉलेंट्री मसल्स को एक स्केलेटल मसल्स के भी नाम से जाना जाता है वॉलेंट्री मसल्स दो मसल्स होती हैं बेटा जिसमें हम लोग का

स्किन और बोन्स के बीच में दीज मसल्स कैन मूव एट और विल दीज मसल्स कैन मूव ये मसल्स मूव तभी करती हैं जब आप चाहते हो ठीक है दे और अंडर और कंट्रोल ये आपके कंट्रोल के अंडर में होती हैं ठीक है ये आपके अंडर में होती हैं आप जब चाहो इसको कंट्रोल कर सकते हो ठीक है द मसल्स ऑफ द टंग ऑम लिंग एंड फिट और एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स ठीक है

कंट्रोल के अंदर नहीं होती हैं डीज मसल्स और कॉल इनवॉल्ट्री मसल्स इस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा मसल्स जैसे हो गया वॉल ऑफ इनवॉल्ट्री इंटेस्टाइन ब्लड कैपेलरीज हो इंटेस्टाइन हो हो ब्लड गया ये एक एग्जाम्पल होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स के नेक्स्ट दिया है बेटा क्या कार्डियक मसल कार्डियक मसल देखते हैं क्या होता है दीज मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट ये मसल्स हम लोग के हार्ट में प्रेजेंस होते हैं the rhythmic contractions and relaxation of heart is due to cardiac muscles ठीक है जो rhythmic contractions and relaxation होता है ठीक है heart में हम लोग को rhythmic से बेटा proper regular ठीक है relaxation और contractions होता है एक इसके help से होता है cardiac muscles की they are involuntary एक क्या होती है बेटा involuntary होती है और work करती हैं वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग एंड गेटिंग टाइट ए वर्क करती हैं थ्रू आउट आवर लाइफ आपके जीवन भर विदाउट बिना रुके हुए स्टॉपिंग एंड गेटिंग टाइट बिना रुके हुए और बिना थके हुए ओके okay? हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा हाउ मसल्स वर्क मसल वर्क कैसे कहती है मसल्स प्रोड्यूस मोवमेंट इन द बॉडी बाई पुलिंग ऑन द बोन्स मसल्स प्रोवाइड मोमेंट जो मसल्स होती है मोमेंट को प्रोवाइड करती हैं हम लोग के बॉडी में बाई पुलिंग ऑन द बोन्स बोन को पुल करने के एज द मसल कंट कंट्रैक्ट द बोन्स कम क्लोज टू इट अदर यदि हम लोग मसल को कंट्रैक्ट करते हैं ठीक है बेटा मसल्स को सिकुड़ते हैं क्या करती है बोन्स एक जगह आ जाती है ठीक है क्लोज हो जाती है एक दूसरे के क्लोज में आ जाती है ठीक वेन वन सेट ऑफ मसल्स कंट्रैक्ट ठीक है जब एक सेट मसल्स का कंट्रैक्ट होता है द अदर सेट ऑफ मसल्स रिलैक्स तो जो मसल्स का एक दूसरा सेट होता है क्या वो बड़ा बड़ा रिलैक्स हो जाता है द कंट्रेक्सन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स मेक और बोन्स मूव यही जो मसल्स का रिलैक्स रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शंस होता है यही हम लोग के बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है दिस मूवमेंट ऑफ आर्म और कॉल्ड बाई टू मसल्स ठीक है कंट्रोल सॉरी द मोमेंट ऑफ आर्म आर कंट्रोल बाई टू मसल्स बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मोमेंट आर्म जो हम लोग का आर्म है उसका मोमेंट कंट्रोल होता है टू टाइप्स के मसल्स में ठीक है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आइए हम लोग देखते हैं ये जो ऊपर स्वली बाइसेप्स को हम लोग कंट्रैक्ट करते हैं ठीक है सिकोड़ते हैं तो क्या क्या होता है हम लोग का हैंड जो होता है वो एक दूसरे के क्लोज में आने लगता है ठीक है जो इधर आर्म हो गया और ह्यूमर हो गया और रेडियस और एलना वाला जो पार्ट है ठीक है देखो एक दूसरे के पास में आ रहा है ठीक ह्यूमरस और रेडियस और एलना जब हम लोग बाइसेप्स को कंट्रैक्ट करते हैं तो पास में आता है और इधर देखो क्या होता है उसके बैक साइड में जब ट्राई जो होता है बेटा वो रिलैक्स हो जाता है ठीक है वो फैल जा रहा है ठीक है जब हम लोग ट्राईसेप्स को कंट्रैक्ट करेंगे ठीक है कंट्रैक्टिंग करेंगे जब हम लोग ट्राईसेप्स को सिकुड़ेंगे तो बाई जो होगा बेटा और रिलैक्स हो जाएगा ओके जिससे हम लोग का जो ह्यूमरस और एलना और रेडियस है इसके बीच का जो क्लोज है एक दूसरे के और एक दूसरे को ऊपर पुश कर देगा जो एक दूसरे से हाई डिस्टेंस पे चला जाएगा ओके okay? नीचे जो दिया हुआ लोअरिंग डाउन और आर्म्स। देखते हैं और बॉडी इज अमेजिंग हम लोग की बॉडी एक अमेजिंग होती है वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स टू कीप आवर मसल स्ट्रॉन्ग एंड इन गुड शेप वी मस्ट प्ले आउट आउटडोर गेम्स हम लोग आउटडोर गेम्स खेल करके अपने जो मसल्स होती हैं उसको स्ट्रांग और गुड स्टेप्स में ला सकते हैं वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली वी मस्ट एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज मस्ट होता है एंड रेस्ट प्रॉपरली और प्रॉपर रेस्ट भी मस्ट होता है वी मस्ट मेंटेन अ करेक्ट पोसेस ठीक है वी मस्ट मस्ट होता है हम लोग को मेंटेन करने के लिए एक करेक्ट पोस्चर ठीक है पोसेस मीन्स

सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इस चैप्टर की एक्सरसाइज को प्रोवाइड किया जाएगा और उसके साथ ही साथ आंसर शीट को प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आई एम जीनियस और लैंड एंड्राइड का क्वेश्चंस और आंसर्स रहेंगे उसका आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे जिससे जैसे ही स्कूल शॉपिन होगा आप लोग को उसको समथिंग जो टाइम्स मिलेगा उसमें आपको लैंड करवाया जाएगा और आपकी कॉपी चेक होंगी देन उसके बाद आप लोग का एग्जाम हो जाएगा एम डिट का ओके तो आप लोग एक प्रॉपर नोट्स भी बना बनाते रहिए और इस वीडियो को देख करके आप हैवी करते रहो ओके थैंक यू बाय बाय